नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आप देख सकते हैं कि किस तरह सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के जो अनुयायी हैं, शासक नाम जिगरीना वेलफेयर फोर्स विंग के जो मेंबर हैं, सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं। आप बातचीत करेंगे इन लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरमुखी इंसा जी। सुरमुखी इंसा जी, क्या काम करते हो, कहाँ से आए हो आप? मैं चंडीगढ़ से आई, चंडीगढ़ ब्लॉक से आए। जी। तो आप जो आज ये सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हो, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही? नहीं, हमें गर्व महसूस हो रहा है। हमारे गुरुजी ने हमें ये प्रेरणा दी है कि अपने आसपास की सारे गली मोहल्लों की आज हमने सफाई अभियान शुरू किया है जी, 10 बजे। जी। पैरोल पर सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी आए हैं, लगभग तीसरी बार पैरोल पर आए हैं, 40 दिन के लिए आए हैं। तो क्या फ़ायदा होगा उनके पैरोल पर बाहर आने? बहुत ज़्यादा फायदा होगा समाज को जी। लोग नशों से मुक्त होंगे और समाज में बुराइयाँ खत्म होंगी। जी। नशा खत्म करने के लिए उन्होंने क्या मुद्दे उठाए हैं, क्या कदम उठाए हैं? हाँ जी, डेप्थ मुहिम के तहत सारे पंजाब में, पूरी दुनिया में मुहिम लागू होगी। जी। और सरकारें भी हमारा साथ दे रही हैं। संत जी के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? संत जी के लिए हम तो सरकार से यही अपील करेंगे जी, जो भी मतलब सच्चाई है उसको सामने ले आई जाए और हमारे गुरु जी को बाजियत बड़ी किया जाए। थैंक यू सो मच सर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश को साफ करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है और ये आज सब जगह सफाई करेंगे। और नशा जो घर कर चुका है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने डेप्थ कैंपेन की शुरुआत की है, जो कि दिन रात जो इनके अनुयायी लगे हुए हैं। लगभग 40 लाख लोगों का नशा अभी पिछले 3-4 महीनों में बाबा राम रहीम जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए लोगों ने छोड़ा है। और मांग कर रहे हैं लोग जल्दी से जल्दी उनको समाज के बीच लाया जाए। आपके क्या विचार है वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।